हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी पोहा खीर। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पोहे खीर वा फ्लैट एंड राइस खीर बनाऊंगी। इसके लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ए नॉर्मल पोहे 1 कप लिया, आधा लीटर फुल फैट मिल्क लिया, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स काजू किशमिश और चिरंजी लिया। आप लोग को जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो ले सकते हैं और जो नहीं पसंद है वो स्किप कर सकते हैं। 4 इलायची को पाउडर बना के रखा, 2 चम्मच शुगर लिया, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 चम्मच घी। घी होममेड है, पहले ही वीडियो में देख के रखा, आप लोग देख सकते हैं। घी ऐड कर देती हूँ। घी गर्म हो गया, काजू और किशमिश को ऐड कर देती हूँ और हल्का सा 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई हो गया, प्लेट में निकल के रखती हूँ। प्लेट में निकल लिया, सेम घी में पोहा को भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। पोहा भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया। मिल्क ऐड कर देती हूँ, अच्छी तरह से बल्क करके। क्वांटिटी में आधा हो गया। अभी जो शुगर लिया ऐड कर दिया, साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग फ्लेवर के लिए इलायची ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और जो ड्राई फ्रूट पहले से घी में फ्राई करके रखा था वो भी ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। पोहा की बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। पोहा खीर बन के रेडी हो गया। गैस बंद करके सर्व कर लेती हूँ। टेस्टी पोहा खीर वा फ्लैट एंड राइस खीर बन के रेडी हो गया। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है, बहुत जल्दी बन जाता है। एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।